हेलो गाइस, वेलकम टू आवर हेल्दी एपेटाइट। आज हम बनाने जा रहे हैं होल व्हीट पिज़्ज़ा, वो भी एक हेल्दी ट्विस्ट के साथ, क्योंकि इसको बनाने के लिए हमने मैदा को बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया है और इसको हम पैन में और एयर फ्रायर में बनाएंगे। इसको बनाने के लिए तंदूर या ओवन की ज़रूरत नहीं है और इसमें वेजिटेबल्स आप अपनी चॉइस की डाल सकते हैं, अमाउंट ऑफ चीज़ आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं और ये आपके घर में बच्चों से लेकर बड़े सभी को बहुत पसंद आएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। होल व्हीट पिज़्ज़ा बनाने के लिए हमें चाहिए 3 कप होल व्हीट फ्लावर, 1 टीस्पून शुगर, 1 टीस्पून एक्टिव ड्राई ईस्ट। अगर आप इसे अवॉइड करना चाहते हैं तो आप 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर और 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ मुझे चाहिए मोजरेला चीज़, या मैंने अमूल का ग्रेटेड चीज़ यूज़ किया है, कुछ वेजिटेबल्स जैसे अनियन, स्वीट कॉर्न्स, कैप्सिकम्स, मशरूम्स, ऑलिव ऑयल, ऑलिव्स। इसके साथ मुझे चाहिए पिज़्ज़ा सॉस, आप होममेड या रेडीमेड यूज़ कर सकते हैं, मैं रेडीमेड पिज़्ज़ा सॉस यूज़ कर रही हूँ। साथ में मुझे चाहिए कुछ चिली फ्लेक्स और ऑरिगेनो। इसमें डालने वाली वेजिटेबल्स टोटली आपकी चॉइस के ऊपर डिपेंड करती है, आप इसमें कुछ भी वेजिटेबल ऐड कर सकते हैं या इसमें से कम कर सकते हैं। और मैं ले रही हूँ साथ में सॉल्ट एज़ पर आवर टेस्ट। आइए अब इसको बनाना शुरू करते हैं। इसको बनाने के लिए सबसे पहले मैं इसको एक्टिवेट कर रही हूँ। मैंने यहाँ पे कुकवेल का एक्टिव ड्राई ईस्ट यूज़ किया है। मैं 1 टीस्पून ईस्ट ले रही हूँ। इसमें मैंने 1 टीस्पून शुगर डाला है और साथ में ही 1 कप ल्यूकवॉर्म वाटर डाल रही हूँ। पानी आपका ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, इतना होना चाहिए कि आप इसमें आराम से इसको टच कर सकें। देखिए पानी को डाल के मैं इसको अच्छे से डिसॉल्व कर रही हूँ और मेरा ईस्ट एक्टिवेट होने में लगभग 15 मिनट का टाइम लेगा, तो इसको ढक के हम एक साइड में रख देते हैं। आइए इसका डो की तैयारी कर लेते हैं। मैंने एक परात के अंदर 3 कप होल व्हीट फ्लावर लिया है। होल व्हीट फ्लावर लेने से ये हमारा हेल्दी ट्विस्ट की तरफ आ जाता है, इससे मैं इसे मैदा बिल्कुल अवॉइड करती हूँ। इसके साथ ही मैंने 1 टीस्पून सॉल्ट डाला है, 1 टीस्पून ऑरिगेनो और 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स डाल रही हूँ। ये हमारे डो को बहुत अच्छा फ्लेवर देते हैं। अब इन सभी चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं। 15 मिनट हो चुके हैं, आइए अपनी ईस्ट को भी चेक कर लेते हैं। आप ये ध्यान रखिए आपका ईस्ट ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, अगर ईस्ट पुराना है तो उसमें अच्छे से झाग नहीं आएंगे। ये देखिए मेरा ईस्ट बहुत अच्छे से एक्टिवेट हो चुका है। अब मैं इस ईस्ट को अपने ड्राई इंग्रेडिएंट्स में डाल रही हूँ और इन सबको डाल के अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अगर आप ईस्ट को अवॉइड करना चाहते हैं तो आप इसमें ईस्ट के बदले 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर और 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा डाल लीजिए। अब देखिए मैं इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका एक डो तैयार कर रही हूँ। ये डो बहुत ज़्यादा टाइट या बहुत ज़्यादा लूज नहीं होना चाहिए, हमें बिल्कुल जैसे हम रोटी का या परांठे का डो तैयार करते हैं बिल्कुल वैसा ही डो तैयार करना है। अब मैं इसमें 3 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल डाल रही हूँ। आप अगर ऑलिव ऑयल नहीं डालना चाहते तो कोई भी नॉन फ्लेवर ऑयल डाल सकते हैं। और ऑयल डालने के बाद इसको लगभग 5 मिनट के लिए और नीट कर लेते हैं अच्छे से, ताकि हमारा एक सॉफ्ट सा डो तैयार हो जाए। ये देखिए मेरा डो तैयार हो चुका है। इस डो को तैयार करने के बाद हमें 1 घंटे के लिए इसे किसी वार्म प्लेस पर रखना पड़ेगा, ताकि ये हमारा प्रूफिंग के बाद डबल साइज़ का हो जाए। ये देखिए मैं इसको एक कंटेनर में डाल रही हूँ और इसको एक क्लिंग फिल्म से या आप किसी भी डैम्प क्लॉथ से रैप करके इसको रख सकते हैं। इसको मैं प्रूफिंग के लिए माइक्रोवेव के अंदर रख रही हूँ। माइक्रोवेव एक एयरटाइट कंटेनर है जिसके अंदर प्रूफिंग बहुत फास्ट होती है और आउटसाइड टेम्परेचर का इस पर कोई असर नहीं होता, अदरवाइज़ आप इसको किसी भी वार्म प्लेस पर रख सकते हैं। ये देखिए लगभग 1 घंटे के बाद मेरा डो बिल्कुल डबल साइज़ का हो चुका है। आइए अब इसको एक डस्टेड फ्लावर पे निकाल के 2 मिनट के लिए और नीट करते हैं। इसके लिए मैं इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगा रही हूँ, क्योंकि इस टाइम में थोड़ा स्टिकी हो जाता है। और नीट करने के बाद इसका एक सॉफ्ट डो तैयार कर लेते हैं। कभी कभी प्रूफिंग के लिए ज़्यादा टाइम लगता है, खासकर जब मौसम ठंडा हो तो उसमें लगभग 1 से 2 घंटे का टाइम लग सकता है। ये देखिए हमारा डो तैयार हो चुका है। हम सेम डो को गार्लिक ब्रेड या फिर जिंगी पार्सल बनाने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। आप चाहें तो इस डो को 1 वीक के लिए एयरटाइट कंटेनर में करके फ्रिज में भी रख सकते हैं। आइए अब इसका पिज़्ज़ा तैयार करते हैं। पिज़्ज़ा के लिए मैंने थोड़ा सा डो लिया है, इसको डस्टेड सरफेस पे मैं रख रही हूँ और इसकी मुझे राउंड शेप में मोटी सी रोटी बनानी है। इसकी थिकनेस हम स्टफ पराठे की जितनी रखेंगे, इसको ना ही ज़्यादा पतला करेंगे और बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं करेंगे। रोटी बनाने के बाद मैं फॉक से इसके ऊपर होल्ड कर रही हूँ, ताकि बेक करते टाइम या सेकते टाइम ये फूले नहीं। अब मैंने एक नॉनस्टिक पैन को गर्म कर लिया है, इसके ऊपर मैंने हल्का सा ऑयल लगाया है और इसके ऊपर मैं अपनी
पिज़्ज़ा बेस को डाल रही हूँ। हम इसको बिल्कुल कम गैस पे ही सेकने देंगे, आँच को हमें तेज नहीं रखना है। लगभग 2 से 3 मिनट कम आँच पे सेकने के बाद मैं इसके ऊपर भी इसमें ऑयल लगा रही हूँ। अब इसको फ्लिप करके हम दूसरी साइड भी बिल्कुल कम गैस पे इसको 2 मिनट के लिए सेकने देंगे। हम इसको ज़्यादा नहीं सेकेंगे क्योंकि टॉपिंग के साथ भी हमारा थोड़ा सिकेगा। देखिए इस तरह से मैं अपने सारे पिज़्ज़ा बेस तैयार कर लूँगी। आप चाहें तो अपने पिज़्ज़ा बेस पहले से ही तैयार करके रख सकते हैं। हम इसको कम गैस से पहले इसलिए सेक के रख रहे हैं क्योंकि अवन या तंदूर में हाई टेम्परेचर होता है जिससे डो टॉपिंग के साथ साथ अच्छे से बेक हो जाता है, लेकिन यहाँ पर हम अवन या तंदूर को यूज़ नहीं कर रहे, इसीलिए मैंने अपने बेसिस को पहले तैयार करके रखा है। आप देख सकते हैं हमारे पिज़्ज़ा बेसिस कितने परफेक्टली तैयार हुए हैं। आइए अब इनके ऊपर टॉपिंग लगाते हैं। इसके लिए आप बेसिस को पहले ठंडा कर लीजिए, अदरवाइज़ में नीचे स्टीम बन जाएगा। पिज़्ज़ा बेस ठंडा होने के बाद मैं इसके ऊपर पिज़्ज़ा सॉस स्प्रेड कर रही हूँ। देखिए पिज़्ज़ा सॉस को मैंने इसके ऊपर अच्छे से स्प्रेड कर दिया है। आप रेडीमेड या होममेड कोई भी पिज़्ज़ा सॉस यूज़ कर सकते हैं। अब इसके ऊपर हम चीज़ स्प्रिंकल कर रहे हैं। मैं यहाँ पर अमूल मोज़रेला चीज़ यूज़ कर रही हूँ जो ऑलरेडी ग्रेटेड आता है। अब इसके ऊपर मैं रफली चॉप्ड अनियन लगा रही हूँ। इसके ऊपर लगाने वाली वेजिटेबल्स टोटली आपके ऊपर डिपेंड करती हैं, आप उसमें कितना डालना चाहते हैं, कौन सी डालना चाहते हैं। ये देखिए मैंने इस पर ग्रीन कैप्सिकम लगाया है, आप चाहें तो येलो और रेड कैप्सिकम भी लगा सकते हैं। साथ में मैं थोड़े से स्वीट कॉर्न स्प्रिंकल कर रही हूँ और साथ में ही कटे हुए मशरूम लगा रही हूँ। इसमें आप बेबी कॉर्न भी यूज़ कर सकते हैं। अब मैं इसके ऊपर ग्रीन ऑलिव्स लगा रही हूँ, आप चाहें तो ब्लैक ऑलिव्स भी डाल सकते हैं। अब इसमें थोड़ा सा ऑरिगेनो स्प्रिंकल कर रहे हैं। ऑरिगेनो स्प्रिंकल करने के बाद मैं इसमें थोड़े से चिली फ्लेक्स भी ऊपर स्प्रिंकल करूँगी, साथ ही थोड़ा सा नमक डाल रहे हैं। नमक कम ही रखिएगा क्योंकि चीज़ में ऑलरेडी नमक होता है। ये सब चीज़ें डालने के बाद इसके ऊपर थोड़ा सा और चीज़ स्प्रिंकल करके सारी वेजिटेबल्स को कवर कर देते हैं। चीज़ का अमाउंट आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप कम या ज़्यादा लगा सकते हैं। हमारा पिज़्ज़ा बेक होने के लिए रेडी है। आइए सबसे पहले इसको एक हैवी बॉटम पैन में बनाते हैं जिसको मैंने पहले से ही प्री हीट कर लिया है। इसके सरफेस पे आप थोड़ा सा ऑयल लगा दीजिए और इसके ऊपर अपना पिज़्ज़ा रख दीजिए। अब इसको ढक के हम बिल्कुल कम फ्लेम पे इसको 2 से 3 मिनट के लिए होने देंगे और उसके बाद मैं गैस को बंद करके फिर से इसको 2 मिनट रखा रहने दूंगी और 2 मिनट के बाद फिर से फ्लेम को ऑन करके इसको सिम पे बनने दूंगी। इस सभी प्रोसेस में मेरा पैन ढका रहेगा और ये देखिए ऐसा करने में मुझे लगभग 7 मिनट का टाइम लगेगा और हमारा पिज़्ज़ा बिल्कुल बन के तैयार हो जाएगा। आप देख सकते हैं इसका नीचे से क्रस्ट भी कितना अच्छा क्रिस्पी बना है और ये देखिए हमारा पिज़्ज़ा पैन में बन के तैयार है। आइए अब पिज़्ज़ा को एयर फ्रायर में भी बनने का तरीका देख लेते हैं। इसके लिए एयर फ्रायर बास्केट में मैंने बटर पेपर लगा लिया है, इसको प्री हीट करने की ज़रूरत नहीं है। इसके अंदर अपने पिज़्ज़ा को ध्यान से रख देते हैं और मैं एयर फ्रायर का टेम्परेचर 160 डिग्री रख रही हूँ और साथ में ही बस 5 मिनट्स का टाइम सेट कर रही हूँ। 5 मिनट्स में हमारा पिज़्ज़ा बहुत अच्छे से क्रिस्प होकर तैयार हो जाएगा। देखिए मैंने टाइम को सेट कर दिया है, 5 मिनट हो गए हैं और आप देख सकते हैं एयर फ्रायर में हमारा पिज़्ज़ा ऊपर से भी कितना अच्छा क्रिस्प हुआ है और कितना जल्दी बनके तैयार हुआ है। इस तरीके से आप पैन में या एयर फ्रायर में कैसे भी अपना पिज़्ज़ा रेडी कर सकते हैं। पिज़्ज़ा बनने के बाद आप इसके ऊपर ऑरिगैनो और चिली फ्लेक्स की फिर से स्प्रिंकलिंग कर सकते हैं, वो टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। और ये देखिए हमारा चीज़ी क्रिस्पी पिज़्ज़ा बन के तैयार है। आप इसको मस्टर्ड सॉस या टोमेटो सॉस किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं और ये आपके घर में बच्चों से लेकर बड़ों सभी को बहुत पसंद आएगा। आप हमारा एक क्रिस्पी चीज़ी होल व्हीट हेल्दी पिज़्ज़ा ज़रूर ट्राई करेगा। आई एम श्योर ये हेल्दी पिज़्ज़ा आपके सभी फैमिली मेम्बर्स को बहुत पसंद आएगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा और अगर अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करिएगा। आप हमें ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं और ऐसे ही हेल्दी और अमेजिंग रेसिपीज़ के लिए बने रहिए हमारे साथ। टिल देन ईट गुड, फील गुड एंड स्टे हेल्दी। बाय बाय।